माना यह जाता है कि गूगल दुनिया की हर चीज जानता है, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो गूगल के एंड्रॉयड फोन में है लेकिन जिसके बारे में गूगल को पता नहीं। एंड्रॉयड दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक एक्टिव डिवाइसेस पर उपलब्ध है, लेकिन इसका ओपन सोर्स होना इसके लिए मुश्किल भी खड़ी करता है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु दिनेश शर्मा। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो शायद आपके फोन में भी एक ऐसा बग है जिसके बारे में ना सिर्फ आप बल्कि गूगल भी अनजान है। जी हाँ, दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर आप गूगल सर्च टैब को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस्तेमाल करते हैं और उस गूगल सर्च टैब में एक आईडी को सर्च करते हैं तो वो आईडी सर्च होने के बजाय गूगल आपको आपके रिसेंट टेक्स्ट मैसेजेस दिखा देगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं और आपको भी दिखाऊं कि वाकई ये एक ऐसा बग है जिसके बारे में गूगल को भी पता नहीं है। तो मेरे हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये क्या बग है और ये कैसे क्या काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल सर्च टैब खोला, ये प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मेरे फोन में थी, बाकी आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही गूगल सर्च टैब आप खोलते हैं तो आपको जब गूगल सर्च की ऑप्शन ऊपर मिलती है तो आपको डालना है the1975.com। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही डाला हुआ है, ये मैं डालता हूं यहां पे। तो ये गूगल इंटरनेट सर्च करने के बजाय सारे मेरे रीसेंट टेक्स्ट मैसेजेस दिखा देगा। देखिए आपके सामने ये सारी सर्च आ चुकी है। तो गूगल इंटरनेट सर्च ऑप्शन के बजाय ये सारा का सारा मेरे टेक्स्ट मैसेजेस मुझे दिखा रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा डरावना और थोड़ा अटपटा भी देखने को लगता है, लेकिन मैं बताऊं कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपके गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्टेड है। और ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। हे गूगल, शो माई टेक्स्ट मैसेजेस। ये देखिए, सेवरल टेक्स्ट मैसेजेस, हियर आर द 5 मोस्ट रीसेंट। ये देखिए, तो ये सारे वही टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो गूगल असिस्टेंट मुझे अब दिखा रहा है। और मैंने जब गूगल सर्च टैब पे ट्राई किया एक आईडी को डालने का जिसका नाम था the1975.com, तो मेरे सारे रीसेंट टेक्स्ट मैसेजेस देखने को मिल गए। तो ये एक ऐसा बग है जो गूगल काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है गूगल को। और मैं आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे वन प्लस 6 और बाकी तमाम रीसेंट स्मार्टफोन्स के ऊपर ये बग देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गूगल जल्द से जल्द इस बग को फिक्स करे। दिनेश शर्मा, जी मीडिया।